नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल के असमोली थाना इलाके में पुलिस की कैंटर लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, बदमाश के अन्य साथी फरार होने में कामयाब। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार किया, एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल। 26 लाख की कीमत के सरसों के तेल के पीपों से भरा आयशर कैंटर बरामद। बोलेरो में सवार बदमाशों के गैंग ने कल रात मुरादाबाद में पाकबड़ा थाना इलाके के हाईवे पर आयशर टैंकर के चालक को बंधक बनाकर लूटा था। 26 लाख की कीमत के सरसों के तेल के पीपों से लदा आयशर कैंटर असमोली थाना इलाके में के मडन गांव के समीप वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़। संभल संवाददाता सालेहीन शर्फी की रिपोर्ट। रात को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मुरादाबाद जिले के पाकवाड़ा नामक थाने में हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बुलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहां पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको अब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य जिसका नाम कादिर है वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। बाकी पूछताछ की जा रही है, इसके अन्य साथी अभी फरार हैं, बुलेरो की भी खोज चल रही है। इसमें जो बरामदगी है, इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रक बरामद किया गया है, साथ में लगभग 26 लाख रुपए का जो इसमें माल था, जो कच्ची घाणी का तेल है, ये हापुड़ से रुद्रपुर जा रहा था, ये भी बरामद किया गया है। इनके मालिकों को बुलाया जा रहा है, उनसे भी बाकी जानकारी की जा रही है तथा इस पूरी कार्रवाई में लगी हुई टीम के द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, जिसमें मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा करता हूँ और इसमें जो बाकी गिरोह है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। धन्यवाद।